क्लीन लेवल पे। देखिए दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो आप इसको छोड़ रहे हो। तो दोस्तों ये मल्टीमीटर कैसा लगा इसको है, इस मल्टीमीटर का एम्पियर चेक करने की। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ हुआ है। तो देखिए इसका GR, तो आप देखेंगे कि रीडिंग कितनी स्टेबल है। तो बहुत बार होता है कि स्टेबल रीडिंग होने पर भी जो मल्टीमीटर होता है उस पर फ्लक्चुएशन लगता है और जो हमें लीकेज का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकला हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं और जनरली ये जो सेक्शन है यहाँ पे सीरीज, उसके मैं प्लस माइनस को प्लस और माइनस में जोड़ के और बेसिकली उधर मैंने 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए कि 5 वोल्ट का चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। तो यहाँ पर ये चीज़ उसको बोल के बताती है, ये इसका सबसे हिट पॉइंट है। देखिए तो मैं कर सकते हैं जल्दापुर, अगर किसी पिन पे या टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं आपको किसी को दिखाना है, तो आप उसको होल्ड करके दिखा सकते हैं कि इतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसको दूसरी बार दबाने पे ये होल्ड का बटन हट जाता है, और ये दबाने पे ये बेसिकली इस चीज़ देखने के लिए हमें समझना होगा कि इस मल्टीमीटर में दिया क्या क्या है, जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस मल्टीमीटर में नीचे आप देखेंगे इंस्टीट्यूट, अगर इस पीले कलर के मल्टीमीटर को यूज़ करता है तो पहली बात तो उस इंस्टीट्यूट में जाने का ही नहीं, वो एक इंस्टीट्यूट नहीं है। क्योंकि ये मल्टीमीटर, मैं ये समझता हूँ, ये सबसे नल्ले मल्टीमीटर है इस दुनिया के। ये मल्टीमीटर अगर आप रखते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बजर मोड और वोल्टेज चेक करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सही टेक्निकल नॉलेज के साथ, एक टेक्नीशियन प्लस एज कम टीचर के साथ, आप ये देखिए इस वीडियो को पूरा और फाइनली इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस मल्टीमीटर के हर एक मोड को चेक करना भी सिखाऊंगा। तो इस मल्टीमीटर के बारे में बात करते हैं और मैं क्यों इसको USB कंडीशन में USB केबल के साथ यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा, मैं क्यों इसमें बैटरी नहीं लगा रहे। हाँ दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम देवेंद्र अग्रवाल चैनल। और दोस्तों ये वीडियो में आप लोग को आज देखने को मिलेगा फिर एक नया मल्टीमीटर, और इस बार जो मैं मल्टीमीटर दिखा रहा हूँ ये मैं पर्सनली खुद यूज़ कर रहा हूँ 2 सालों से, और मैं हर एक को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप लोग इस इंडस्ट्री में हैं और एंड्रॉयड पर काम करते हैं और आईफोन पे, अगर एंड्रॉयड पे काम कर रहे हैं, आईफोन तो खैर एक अलग पार्ट हो गया है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। देखिए दोस्तों अभी तक मैं आपको बता दूं, हमने इतने सारे वीडियो बनाए हैं, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, तो इस तरह से हम बहुत सारे और मल्टीमीटर पे वीडियो बनाने वाले हैं, जहां अगर आपको देखना है तो वीडियो की चेक लिस्ट पर जाके आप देख सकते हैं। वीडियो लिस्ट ओपन कीजिए, चैनल के अंदर जाइए, वीडियो लिस्ट को क्लिक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आपको पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि ये चैनल नॉलेज दे सकता है और आपको आगे सिखा सकता है और आपको एक अच्छा टेक्नीशियन बनाने की क्षमता रखता है, तो उसके साथ जुड़े रहिए, वरना छोड़िए और बहुत सारे चैनल हैं उनको जाके खोलिए और लाइक कीजिए। तो दोस्तों ये है वीडियो हमारे आज इस मल्टीमीटर का। मैं इस मल्टीमीटर की लिए बहुत अच्छा एक फ़ैन हूँ इस मल्टीमीटर का, मैं 2 साल से इस मल्टीमीटर को यूज़ कर रहा हूँ और अपने सारे स्टूडेंट को भी इसको रिकमेंड करता हूँ कि भाई लेना है तो ये मल्टीमीटर लो। तो ये मल्टीमीटर मेरे को सबसे बेस्ट लगता है, और इसके अलावा मैं आईफोन के मल्टीमीटर पर भी बनाऊंगा, और एक और मल्टीमीटर है जो मैं यूज़ करता हूं वो अभी मैं उस पर बनाऊंगा। तो खैर अब तक मैंने अभी तक देखिए कि 2 मल्टीमीटर पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, ये मेरा है 3rd मल्टीमीटर पर वीडियो। तो आइए चलते हैं, ये जो मल्टीमीटर है दोस्तों ये देखिए, ये मल्टीमीटर है, हालांकि यहाँ पर कोई भी नाम लिखा नहीं है, चाइनीज़ पे लिखा हुआ है। खैर ये इस तरह की पैकिंग में आता है और पैकिंग में खोल चुका हूँ मल्टीमीटर, आपको दिखाऊँ तो ये रहा, जी हाँ तो ये रहा वो मल्टीमीटर। और आप देखिए किस तरह से मैं इसको प्रोजेक्ट करके रखा हूँ और इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ इस मल्टीमीटर को। तो इस मल्टीमीटर को मैं चलिए निकाल लेता हूँ, ये देखिए। अच्छा इस मल्टीमीटर को यूज़ भी देखिए मैं किस तरह से कर रहा हूँ, और ये मैं एक USB केबल के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ इस मल्टीमीटर को। तो चलिए इसको फ़िलहाल मैं इतना ही ले सकता हूँ, क्योंकि मैं इसको USB केबल के थ्रू यूज़ कर रहा हूँ, और आप देखेंगे ये बिल्कुल ऑन कंडीशन में है और आपको यहाँ पर लाइट भी देता है। तो आइए दोस्तों इस मल्टीमीटर के बारे में बात करते हैं, और मैं क्यों इसको USB कंडीशन में USB केबल के साथ यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बताऊँगा, मैं क्यों इसमें बैटरी नहीं लगा रहे और ये ऐसा क्या रीज़न है मेरा, तो मैं आपको बताऊँगा। और इस मल्टीमीटर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक सही टेक्निकल नॉलेज के साथ, एक टेक्नीशियन प्लस एज कम टीचर के साथ, आप ये देखिए इस वीडियो को पूरा और
फाइनली इसके बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको इस मल्टीमीटर के हर एक मोड को चेक करना भी सिखाऊंगा, इसे कैसे रजिस्टर ओम्स चेक किया जाए, किस तरह से इसे कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, एक डायोड मोड का क्या मतलब है, या सब मोड का क्या मतलब है, कैसे चेक करें, एम्पियर कैसे चेक करें, तो सारी चीज़ें कम्प्लीटली आपको इसी वीडियो में मिलेगा। आपको पता भी चलेगा कि मल्टीमीटर एक सही रीडिंग को जज कर पा रहा है कि नहीं। और दोस्तों मैं एक और बात बताऊं, आपने अगर इस तरह के मल्टीमीटर देखे होंगे ना पीले कलर के, दोस्तों अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर इस पीले कलर के मल्टीमीटर को यूज़ करता है तो पहली बात तो उस इंस्टीट्यूट में जाने का ही नहीं, वो एक इंस्टीट्यूट नहीं है, क्योंकि ये मल्टीमीटर मैं ये समझता हूँ ये सबसे नल्ले मल्टीमीटर है इस दुनिया के। ये मल्टीमीटर अगर आप रखते हैं और आप सोचते हैं कि मैं बजर मोड और वोल्टेज चेक करने के लिए, तो वेरी गुड है, बहुत अच्छा मल्टीमीटर है। पर अगर आपको लगता है कि आप इससे ओम्स की रीडिंग या किसी रजिस्टर या आप इस तरह से काम कंपोनेंट को चेकिंग करने के लिए, तो भाई मेरे ये मल्टीमीटर सबसे बेकार और सबसे थर्ड क्लास लोएस्ट कैटेगरी का मल्टीमीटर है। और मैं आपको सच बता दूं, अगर किसी इंस्टीट्यूट में बैठ के मल्टीमीटर लेके आप इसको चेक कर रहे हो कोई रजिस्टर, तो आप दुनिया के सबसे बड़े पागल हो, क्योंकि ऐसे में आप कभी भी सही रीडिंग नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्लास आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हाई लेवल पे काम करना है तो हाई लेवल के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और खैर छोड़िए, तो चलिए बात करते हैं इस मल्टीमीटर की। दोस्तों ये मल्टीमीटर है, आइए अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रोजेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको भी समझाने में आसानी हो और मुझे भी बताने में आसानी हो। चले तो मैंने मल्टीमीटर को इस तरह से रख दिया है, जिस जैसे मैं हमेशा हर मल्टीमीटर को रखता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसका डब्बा नहीं है दोस्तों। अभी डब्बा ये मल्टीमीटर ऑलरेडी बहुत पुराना है, मैं आपको जैसे कि बताया मैं 2 साल से इस मल्टीमीटर को यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास में इसका डब्बा नहीं है। तो सबसे पहले शुरुआत ही करूँगा बेसिक से और क्या क्या इसके साथ आया था। अगर मैं क्या क्या आया था बात करूँ तो ये इस तरह के एक पैकेज में आया था और इस तरह का मुझे एक बैग मिला था। आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम बैग है, बहुत कम मल्टीमीटर्स अपने बहुत कम, ये एक कंपनी जो मैकेनिक कंपनी है काफ़ी अच्छी है और मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगी है। तो आप सबसे पहले आप देखिए इस मल्टीमीटर में, तो इस मल्टीमीटर में यहाँ पे आपको मैकेनिक का ब्रांड और यहाँ उसका लोगो दिखाई देता है और उसके बाद इसका मॉडल नंबर है आप V90C। इसका मॉडल नंबर आप बिल्कुल नोट करके रखिए, मार्केट में इसकी कॉपी भी आती है और सस्ते में बेची जा रही है, पर मैं रिकमेंड करूँगा कॉपी को परचेज ना करें। ये डिजिटल मल्टीमीटर है, इसका डिस्प्ले का जो साइज़ है काफ़ी बड़ा है और इसका जो लाइट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी तेज है बाकी मल्टीमीटरों की तुलना में, तो यह बहुत आसानी होता है दूर से देखने में, तो ये बहुत ही एक अच्छा मल्टीमीटर है। दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इसका जो बजर मोड है, इसकी जो अंदर का जो बजर है वो भी काफ़ी तेज है। देखिए मैं आपको इसका साउंड सुनाता हूँ, देखिए काफ़ी तेज साउंड निकलता है इस मल्टीमीटर से, तो जो कि वो भी बहुत एक बढ़िया एक बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आइए और इस मल्टीमीटर के बारे में और अच्छी अच्छी बातें करते हैं और देखते हैं कि क्या खास है इस मल्टीमीटर में। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ देखने के लिए हमें समझना होगा कि इस मल्टीमीटर में दिया क्या क्या है जिससे आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस मल्टीमीटर में नीचे आप देखेंगे तो आपको क्या क्या मिल जाएगा, आपको वोल्टेज ओम हर्ट्स और डायोड और कैपेसिटर, यहाँ पर ग्राउंड है और ये मिली एम्पियर है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 10 एम्पियर की रीडिंग, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आपको रेड उठा के इन दो पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा इस दो पर आपको। अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि बाहर बाहर अगर आप चेक करेंगे तो आपको लोगो दिखाई देंगे, तो ये जो लोगो है ये आपका है ओम्स का लोगो, जो रेजिस्टेंस जो आप देखिए 202 ये जो मैक्सिमम होता है ये आपका है 200 से 20 मेगा ऑलरेडी 20 मेगा ओम्स तक है, ठीक है। तो ये मल्टीमीटर आपके 20 मेगा ओम्स तक है जो कि मैक्सिमम 200 मेगा तक जाते हैं, पर यहाँ पे 20 मेगा ओम्स तक है जो कि हमारा यहाँ पे काम हो जाता है। बट फिर भी मैं ये जरूर रिकमेंड करूँगा कि कोशिश करें कि 200 मेगा ओम्स तक वाले मल्टीमीटर ही परचेस करें। बट क्योंकि मैंने बोला कि मेरा काम इससे 100% हो जाता है और इसलिए कि 200 मेगा में भी अगर मेरे को काम करना है, क्योंकि इस मल्टीमीटर की और भी बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, तो इसलिए मैंने 2 मल्टीमीटर या 3 मल्टीमीटर अपने साथ हमेशा कैरी करके रखता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो कैपेसिटर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा डीसी वोल्टेज, डीसी एसी वोल्टेज और यहाँ पे आपको मिलेगा एम्पियर्स डीसी और एसी,
और इसके अलावा अगर आपको इस मल्टीमीटर के बारे में जानना है तो आप देखेंगे कि डीसी जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम यहाँ पर आपको 1000 वोल्ट और एसी वोल्टेज है वो आपको 750 वोल्ट। एसी एम्पियर जो है वो आपको मैक्सिमम यहाँ पर दे रहा है, जो एम्पियर है वो 20 माइक्रो एम्पियर से आपको दे रहा है, 10 एम्पियर तक आप इसको चेक कर सकते हो। और जो डीसी एम्पियर है और जो एसी एम्पियर है वो आप चेक कर सकते हो दोस्तों 10 एम्पियर, ये भी मैक्सिमम 10 एम्पियर तक आप इसको चेक कर सकते हो। मतलब जो एसी और जो डीसी है वो 10 एम्पियर आप मैक्सिमम इसमें चेक कर सकते हो। अगर मैं इसमें बात करूँ, इसके अलावा इस मल्टीमीटर में आप यहाँ पर कैपेसिटर चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मल टाइप के कैपेसिटर अगर मैं इसमें बात करूँ तो आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हो, जो कि नॉर्मल टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं NPA और PNP, जो आपके इलेक्ट्रोड बेस कलेक्टेड और इस तरह से आप इसको यहाँ पर लगा के इसको जो लैग होते हैं, लैग इलेक्ट्रोड होते हैं, जिन ट्रांजिस्टर के इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं उसके आप यहाँ पर लगा के उनको चेक कर सकते हो। अब फंक्शन की बात करें, अगर मुझे रेजिस्टेंस चेक करना है तो मुझे 200 ओम्स में इसको रखना पड़ेगा और यहाँ तक मैं ला के इसको चेक कर सकता हूँ। अगर मुझे डीसी वोल्टेज चेक करना है तो ये नोब को उठाकर मैं जनरली हम मोबाइल फ़ोन में 20 वोल्ट को यूज़ करते हैं और उसके बाद में हम मोबाइल फ़ोन में 200 वोल्ट में तब रखते हैं जब हम किसी लाइट सेक्शन या एक बूस्ट वोल्टेज को चेक करने के लिए रखते हैं। और अगर मुझे एसी वोल्टेज चेक करना है तो ऑब्वियस है कि 750 में मैं इसको चेक कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास में मुझे एम्पियर चेक करना है जनरली एसी एम्पियर, तो मैं इसको 10 एम्पियर में लगा के इसको एसी में बेसिकली जो डीसी का है एम्पियर है वो मैं चेक कर सकता हूँ। एसी एम्पियर चेक करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा और डीसी एम्पियर चेक करने के लिए मैं यहाँ रखूँगा। तो अगर मैं इस मल्टीमीटर की और कुछ खास बातें आपको बताऊं तो इस मल्टीमीटर में जैसे कि मैंने बताया इसका जो साउंड है काफ़ी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे एक होल्ड का बटन भी दिया हुआ है, आप थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक छोटा सा होल्ड का बटन भी देखने को मिलेगा। जैसे सपोज अगर आप ये होल्ड का बटन दबा देते हैं तो आप देखिए तो आपको यहाँ पे होल्ड लिखा आएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी रीडिंग को आप होल्ड कर सकते हैं। जल्दापुर अगर किसी पिन पे या टर्मिनल पे कुछ वोल्टेज आ रहे हैं आपको किसी को दिखाना है तो आप उसको होल्ड करके दिखा सकते हैं कि इतना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। इसको दूसरी बार दबाने पे ये होल्ड का बटन हट जाता है और ये दबाने पे ये बेसिकली इसके अंदर ना एक खास मोड और है। तो आइए उस मोड के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रू लिखा हुआ है, मतलब बेसिकली ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक बजर का साउंड है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेक करता हूँ, सपोज मैंने बजर मोड पर रखा है, कुछ भी मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज उसको बोल के बताती है। ये इसका सबसे हिट पॉइंट है। देखिए, तो मेरी जो चाइनीज में बता रही है ये इंग्लिश में भी बताती है और चाइनीज में भी इसको बताती है। तो इस तरह से ये मल्टीमीटर यहाँ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। आइए चलिए इसको हम देखते हैं। और अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने पीछे किस तरह से लगाया हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मली एक डीसी वायर जो हमारा होता है चार्जिंग का, उसके मैं प्लस माइनस को प्लस और माइनस में जोड़ के और बेसिकली उधर मैंने 5 वोल्ट का चार्जर यूज़ किया हुआ है। आप ये देखिए कि 5 वोल्ट का चार्जर मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने ऐसा क्यों किया हुआ है। देखो, इसको करने की एक सबसे बड़ी वजह ये थी कि लॉकडाउन के टाइम पे जब मैं इस पर काम कर रहा था तो सडनली इसका लाइट मतलब ये बंद हो गया क्योंकि इसकी बैटरी चली गई। अब उस टाइम पे क्योंकि हम घर पे थे, आपको भी पता है लॉकडाउन में बाहर जाने को नहीं मिलता था, तो घर पे आए सब कुछ तो हम रख लेते थे जितना हमें मोबाइल रिपेयरिंग में काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, बट हमें कभी भी नहीं पता था कि ये बैटरी भी रखनी पड़ेगी। तो बैटरी ख़त्म हो गई तो आप कैसे, क्योंकि हमारे को तो करना है और ये सारी चीज़ें इंस्टीट्यूट में रखी थी, हम चाहते थे इंस्टीट्यूट में जा सकते थे बट वो भी जाना थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार एक टंटे ही ख़त्म कर देते हैं, इसलिए क्योंकि इसको चालू करने के लिए 9 वोल्ट एक कंपनी बोलती है पर हम इसको 5 वोल्ट में भी इसको चला सकते हैं। अब फ़ायदा ये हो जाता है दोस्तों कि आप देखिए यहाँ पर कि बस मुझे है ना एक बटन चालू करना होता है यहाँ से, और जब मैं इसको बंद करता हूँ या चालू करता हूँ तो ये अपने आप बंद हो जाता है, अपने आप चालू हो जाता है। तो ये मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा अनुभव हो चुका है और ये अपना आप पूरा चल रहा है। देखिए, बंद भी हो जाता है और ये चालू भी हो जाता है। और इस अब ये कब से चल रहा है ये आप सोचिए, ये वो जो 6 महीने का लॉकडाउन लगा था तब से लेके अब तक ये ऐसा ही है और अब तक भी मैंने बैटरी चेंज नहीं किया, बैटरी का कोई टेंशन खत्म हो गया। तो ले देखे बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाती है। और एक जगह टांग दिया तो मेरे को बार बार इसको उठा के यहाँ वहाँ रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा मेरी नज़र वहाँ पहुँच जाती है। वीडियो बनाना है तो वीडियो में भी बहुत अच्छे से दिख जाता है। तो आइए इससे थोड़ा चेकिंग वेकिंग टेस्टिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि जो भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो एक एक्यूरेट बता पाता है कि नहीं बता पाता है।
चलिए इसको डायोड मोड पे रख दिया हमने, बजर मोड पे। आइए इसको हम कूल टेस्टिंग करके इसके बैटरी कैरेक्टर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपका ग्राउंड मोड है और यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं तो ये हमारे को बी बैट की रीडिंग मिल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल। और जब रिवर्स रीडिंग करेंगे तो इसका मतलब है इस फोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। ये इसकी BSI की रीडिंग है जो कि स्टेबल है, और ये इसका रीडिंग है आपका टेम्परेचर का। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें आपको रीडिंग का जो मान है बिल्कुल स्टेबल और सही मिलता है। तो एक्चुअली कूल टेस्टिंग से पता करते हैं सीरीज और पैरेलल। जैसे ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो देखिए इसका GR, तो आप देखेंगे कि रीडिंग कितनी स्टेबल है। जो बहुत बार होता है कि स्टेबल रीडिंग होने पर भी जो मल्टीमीटर होता है उस पर फ्लक्चुएशन लगता है और जो हमें लीकेज का अनुभव कराता है। तो यहाँ पे देखिए कैपेसिटर निकला हुआ है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कैपेसिटर क्या नहीं है, क्योंकि कैपेसिटर पैरेलल में लगे होते हैं और जनरली ये जो सेक्शन है यहाँ पे सीरीज में कैपेसिटर लगे नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी प्रकार का एक सीरीज में कंपोनेंट लगा था जो कि निकला हुआ है, और एक पूरा सेक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेक्शन ही गायब है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, ये पैरेलल में है, ये रजिस्टर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो ये इस तरह से हमें सीरीज में दिखा रहा है। आइए रजिस्टर को चेक करते हैं। तो रजिस्टर को चेक करने के लिए तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं यहाँ पर कि ये पहले एक लो वैल्यू का है कि हाई वैल्यू का है, इसको चेक कर लेते हैं। तो आप इसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ और मैं रजिस्टर को 20K पर चेक करता हूँ। तो यहाँ पर रजिस्टर को चेक करने के लिए मैं इन दोनों को रखता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है रजिस्टर है 1.4K का। तो आप देखिए कितना अप्रॉक्स K पे रखा और यहाँ पे इसकी वैल्यू हमें K दिखा रहा है। यही चीज़ हम K के बाद में M पे रखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें M पे दिखा देगा, मतलब ये है मेगा। तो आप देखिए कि मेगा में बहुत लो आ रहा है, तो इसका मतलब है 200K। इस तरह से हम नीचे करते जाएंगे और हमारे को रजिस्टर की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर की वैल्यू आ रही है 1.4K, इसका मतलब है रजिस्टर हमारा बिल्कुल ओके है। तो आइए चलिए देखते हैं, इससे कॉइल चेक करते हैं। और तो देखिए कॉइल हमें मिला हुआ है यहाँ पर, और इसको चेक करने के लिए इसको बजर मोड पे चेक करेंगे। हमने इसको बजर मोड पे रखा है और हम इस कॉइल को कंटिन्यूटी चेक करेंगे यहाँ पर। तो देखिए बीप दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारा जो कॉइल है बिल्कुल सही है। आइए इसको 200 ओम्स में चेक करते हैं और जो रीडिंग दे रहा है 1.6, इसका मतलब है कि ये लीकेज भी नहीं है। और अब बारी है, ये तो हमने चेक कर लिया है, तो अब बारी है इस मल्टीमीटर का एम्पियर चेक करने की। तो सबसे पहले मैं वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो आप देखिए मैंने इसको 20 वोल्ट पे डाला हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेरी DC की मशीन की रीडिंग है वो भी मेरी 4.2 वोल्टेज पे है और एम्पियर जो मेरा है यहाँ पे 5 एम्पियर पे है। तो आइए चेक करते हैं कि मेरा वोल्टेज को एक्यूरेटली चेक कर पाता है कि नहीं चेक कर पाता है। तो उसके लिए हम DC की वायर ले लेंगे। तो चलिए ये हमारी DC की वायर है और DC की वायर से इसको चेक करते हैं। जैसे कि मैं पहले भी कहा था कि अगर मैं इसको होल्ड पे रखूं तो अब इसकी लाइट आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा देर तक रुकेगी। तो पहले मैं 4.2 को चेक कर रहा हूं, तो इसलिए मैं प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस लगा रहा हूं। पीछे मेरा DC 4.2 पे सेट है, तो आप देखिए जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो मिल रहा है 4.16 और हमने DC को किया है 4.2 पर, जो कि हमको एक्यूरेट वोल्टेज 4.16 देखने को मिल रहा है। अब चलिए इसको हम एम्पियर पर शो करते हैं। अब हमने यहाँ पे इसको एम्पियर पर रख लिया 10 एम्पियर AC और हमने इस प्रोब को हटा के यहाँ पर एम्पियर पर सेट कर दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं कि हमारे को यहाँ पर 5 एम्पियर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। मैं पहले भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमने 5 एम्पियर में सेट किया हुआ है। ये देखिए, आप देखिए यहाँ पे 5 एम्पियर आपको दिख रहा होगा, 5 एम्पियर। अब चलिए इसको देखते हैं कि 5 एम्पियर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो देखिए 4.9 एम्पियर ये आपको शो कर रहा है 10 एम्पियर पर लगाने पर, जो कि मतलब हमारा DC बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, 5 एम्पियर हमारा DC शो कर रहा है। और दोस्तों इसमें क्या चीज़ नहीं है चेक करने के लिए, तो वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ
ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था, आई होप कि आपने देखा हो। नहीं देखा तो जैसे कि मैंने कहा कि वीडियो लिस्ट में जाइए, इसके अंदर क्या नहीं है चेक करने लायक। तो इसके अंदर हम टेम्परेचर चेक नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर एक अगर हम बात करें हम इसमें ट्रांजिस्टर चेक कर सकते हैं, ओम्स वोल्टेज एसी और डीसी के वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें एक एनसीबी का भी आपको दिया हुआ है, ये देखिए। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये लगातार क्यों चल रहा है, क्योंकि मैंने इसको 5 वोल्ट करंट के साथ में लगाया, डीसी करंट के साथ में लगाया हुआ है, ये किसी सेल के साथ नहीं है, इसलिए लगातार चल रहा है। तो कहने का ये मतलब है कि ये मल्टीमीटर मेरे हिसाब से तो बहुत बेस्ट है, और ये मल्टीमीटर को मैं रिकमेंड करूंगा आप सभी लोगों को, अगर आप उसको परचेज जरूर कीजिए, क्योंकि इस मल्टीमीटर से यार लगभग सारे काम ही हो जाते हैं। और क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें मोबाइल रिपेयरिंग में हम एक इन्फिनिट, जैसे हम बोलते हैं इन्फिनिट चीज़ों को सर्च करते हैं, क्योंकि इन्फिनिट नॉलेज है, तो इसलिए हमको एक दूसरा मल्टीमीटर भी अपने पास रखना होता है। एक दूसरा मल्टीमीटर और भी है जो मैं देखता हूँ, हो सकता है मैंने यहाँ कहीं रख दिया हो, उसको मैं लेके आऊँगा इसके बाद किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे बताइएगा जरूर वीडियो आपको कैसा लगा, कम्प्लीटली जानकारी के साथ में एक एक आपको यहाँ पर टेस्टिंग पॉइंट, आपको जो भी यहाँ पर हो सका पॉसिबली मैंने टेस्ट करके बताया है। नॉर्मली चीज़ें आप टेस्ट तो आप भी कर सकते हैं, तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये ओवरऑल मल्टीमीटर जिस तरह से मैंने बताया कि कैसे इसको बाईपास करके भी चला रहा हूँ मैं, और किस तरह से हम एम्पियर चेक कर सकते हैं, किस तरह से हम ने वोल्टेज चेक किया, और मैंने ओम्स की रीडिंग, डायोड मोड और कुछ पीसीबी मेजरमेंट किए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई, देखने में अच्छी लगी और आपको लगे कि नॉलेज आपको अच्छा लगा है, तो आप चाहो तो हमारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। इसी तरीके से आपको डीपली लेवल पे पढ़ाया जाएगा, जहाँ आपको लगेगा यार सिर्फ वन टाइम है, उसके बाद यूट्यूब देखना मैं आपका ख़त्म करवा दूंगा, ये बात मैं आपको कहता हूँ। क्या वो एक बात की बात है, उसके लिए आप हमारे सारे चैनल को बहुत अच्छे से डीपली लेवल पर देखिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे वीडियो आप इसको छोड़ रहे हो। तो दोस्तों ये वीडियो, ये मल्टीमीटर कैसा लगा, इसको परचेस करना है तो आप बहुत सारे सेलर से उनको जाके परचेस कर सकते हैं। बाकी एक सेलर का नंबर मैं नीचे दे देता हूँ, अगर आपको उनसे परचेस करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, बाकी नहीं तो आप चाहें तो ऑनलाइन या किसी दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी देख के इसको खरीद सकते हैं। बाकी पर मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस मल्टीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए अच्छा है कि नहीं है, किसी दूसरे चैनल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि आपका दिन अच्छा जाए और आने वाला भविष्य। थैंक यू वेरी मच।